हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एग्जाम गाइड। IBPS RRB PO कट ऑफ 2018 ऑफिशियल, जिसे कि IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 की जो आपकी कट ऑफ होने वाली है दोस्तों, ऑफिशियली स्टेट वाइज कट ऑफ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बैंक एग्जाम गाइड चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए बैंक एग्जाम गाइड चैनल को और बेल आइकन पे जाके नोटिफाई कर लीजिए इस तरह से लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए कंपटीशन एग्जाम्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। IBPS RRB की जो कट ऑफ थी आपके IBPS RRB प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम हुआ था ऑफिसर स्केल 1, जिसे कि IBPS RRB PO भी कहा जाता है, उसकी जो ऑफिशियली कट ऑफ है स्टेट वाइज वो आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर सबसे पहले जब बात करें तो जैसा हमने पिछले भी वीडियोज में आपको बताया है, आपकी हमने एक लिस्ट बना दी है, उसमें आप आराम से इजिली आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर उत्तर प्रदेश यूपी की आपकी कट ऑफ जो गई है ओवरऑल, ये बात है जनरल कैटेगरी की, आपके हर एक स्टेट की आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। आप ये देखिएगा आप कौन से स्टेट से हैं और आपके मार्क्स क्या आए हैं, वो अब भी आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी ये ओपन है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं अपने मार्क्स तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, अदरवाइज हमारी वेबसाइट है IBPS recruitment.in, वहाँ भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं IBPS login@gmail.com पे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बिना वक्त गवाए उत्तर प्रदेश यूपी की 50 गई है कट ऑफ, जनरल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे हरियाणा के लिए तो हरियाणा की 57 गई है दोस्तों, और महाराष्ट्र की जो कट ऑफ यहाँ पे गई है स्टेट की 47.50, एंड कर्नाटक की जो आपके स्टेट है यहाँ की जो कट ऑफ गई है जो कि कम गई है 44.25, और गुजरात की अगर बात करें तो 48.25। ये वो स्टेट हैं जिनकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे कम जाने वाली है, तेलंगाना बिहार कर्नाटका। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना की 45.25 गई है और बिहार की यहाँ पे गई है 45। मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स ने यही रीज़न से यहाँ से फॉर्म भरा है, इसी स्टेट से भरा था फॉर्म, उत्तर प्रदेश से भरा था, यूपी से भरा था, बिहार से भरा था, किसी ने तेलंगाना से भरा था। तो ये बहुत ही सही किया आप लोगों ने दोस्तों, बहुत ही सही डिसीजन था आपका। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 52.50 इसकी यहाँ की गई है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो 54 यहाँ पे गई है, जो कि अब बात करते हैं उत्तराखंड के बाद में दोस्तों। यहाँ पे जो निकल के आती है हमारे पोस्ट आपके लिए स्टेट आता है उड़ीसा, उड़ीसा की जो आप देख सकते हैं 50.50 यहाँ पे की गई है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की 59.75 जो कि बहुत ही हाईएस्ट गई है। तमिलनाडु की अगर बात करें जनरल कैटेगरी वालों की 43.25 गई है। राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं सभी को कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान की गई है दोस्तों 50.50। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की 48.50 गई है। पंजाब की अगर बात करें 54.75। मैंने आपको बताया था ओवरऑल कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे अगर आप ऑफिसर स्केल 1 IBPS RRB PO का एग्जाम दे रहे हैं तो, और वही यहाँ पे हो रहा है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए तभी आप कर पाएंगे इस एग्जाम को क्रैक। तो वही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के जो मेरे पास कमेंट आ गए थे उन्होंने अपने अटेम्प्ट बता दिए थे, तो डेफिनेटली वो क्लियर था, तो उस अकॉर्डिंगली कट ऑफ निकल के आनी ही थी दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात करें 53.50, त्रिपुरा की बात करें 29.25। यहाँ पे बहुत ही कम कैंडिडेट्स थे और बहुत ही टिपिकल रहा यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है इस वजह से यहाँ से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे 29.25 जनरल की कैटेगरी गई है, कट ऑफ गई है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट 47.25। दोस्तों ये थी आपकी स्टेट वाइज कंप्लीट RRB PO की कट ऑफ 2018 की, जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो गई है। साथ ही में दोस्तों आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बैंक एग्जाम गाइड चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताइए और जुड़े रहिए बैंक एग्जाम गाइड चैनल के साथ में। अगर बात करें अगर कि IBPS की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि IBPS की जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं जो आपको जान लेना चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप ने एग्ज़ाम ये दिए हैं। तो देखिए ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कॉल लेटर फॉर
पीओ एग्जाम, पीओ का जो 8th फेस ये होने वाला है एग्जाम। दोस्तों जितने भी लोगों ने ये फॉर्म फिल किया है वो अगर ट्रेनिंग का जो उन्होंने जो ले रहे हैं एसटीएससी वालों के लिए ये होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरी होती है कि ये ट्रेनिंग के एग्जाम लेटर हमारे लिए हैं या नहीं है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं या नहीं है, ओबीसी के वालों के लिए हैं या नहीं है, ये सिर्फ एसटीएससी वालों को ही दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगर एक नोटिफिकेशन निकल के आता है यहाँ पे, अगर आपने फॉर्म फिल किया है आईपीएस क्लर्क सिलेक्शन प्रोसेस फॉर योर रिसर्च एसोसिएट डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स एंड लॉ ऑफिसर, ये पोस्ट निकली थी दोस्तों। अगर आपने इसका फॉर्म फिल नहीं किया था तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन निकल के आता है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर ऑनलाइन मेन एग्जाम कॉल लेटर। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के मेंस के एग्जाम लेटर आ गए हैं दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको ये डाउनलोड कर लेने हैं। इसके बाद में बात करें तो आप अपने स्कोर चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताया हूं कट ऑफ कि यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको स्कोर मिल जाते हैं, आपके जो स्कोर्स हैं आपके ऑफिस असिस्टेंट के स्कोर देख सकते हैं आप अभी, और अपने ऑफिसर स्किल वन के भी देख सकते हैं। ऑफिसर स्किल वन के स्कोर देखने की डेट भी यहां पे शायद बढ़ गई है, हाँ दोस्तों यहां पे इसकी डेट हो गई है 30 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्कोर देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, यहाँ आई कार्ड पे आपको आ रहा होगा कैसे देखने हैं आपको। साथ ही में अगर बात करें अब अगर हम सेकंड नोटिफिकेशन की, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई, 7275 पोस्ट है दोस्तों, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ और इसका जल्दी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि फॉर्म कैसे फिल करें, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत अभी हमको पहले होगी या बाद में होगी, ड्यूरिंग द फॉर्म फिल जब हम करेंगे तब हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी या नहीं, तो ये सभी क्वेरीज आपकी वहां पे क्लियर हो जाएगी। मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं तो उसमें आप देख सकते हैं डेमो में एक फॉर्म फिल कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है, और आपको ये डिटेल पहले मांगेगा या बाद में वो चीज़ आपके वहीं पे क्लियर हो जाएगी अच्छे से। और आप अपना रिजल्ट का स्टेटस देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं फिर से, जिस भी स्टूडेंट ने ये पहली बार वीडियो देख रहा होगा या वो पहली बार ये देख रहा है तो उसको पता पड़ जाएगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल चुकी है। तो अगर उसने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों, आपका रिजल्ट आ गया है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो एग्ज़ाम था आपका IBPS RRB का, जिसे कि क्लर्क भी कहा जाता है, IBPS RRB PO ऑफिसर स्केल 1 का भी रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की कट ऑफ नहीं आई है अभी, और उसके कट ऑफ मार्क्स भी नहीं आए हैं, वो अब आने बाकी हैं, जल्दी ही हम आपको बता देंगे। और ऑफिसर स्केल 1 की कट ऑफ भी आ गई है दोस्तों, ये वीडियो उसी पे था, और आपके मार्क्स भी आ गए हैं, जल्दी से वो देख लो आप, अभी टाइम है आपके पास। साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है, IBPS RRB के बाद में क्लर्क की जो पोस्ट है ये बहुत ही अच्छी पोस्ट निकल के आ रही है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है बैंक में जॉब करने का, तो दोस्तों इसे मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बात बताऊंगा, जो कि एक एग्ज़ाम आने वाला है उसकी डिटेल्स मैं आपको जल्दी ही आगे आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपको फ्री कोचिंग मिलने वाली है दोस्तों। इसका फीडबैक भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जल्दी ही मैं वो न्यूज़ रिवील करने वाला हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मैं जल्दी आने वाले वीडियोज़ में आपको वो डिटेल बताने वाला हूँ, वो एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि किस तरह से आप फ्री की कोचिंग ले सकते हैं आप अपने स्टेट में। जल्दी ही आपके लिए ये IBPS बहुत ही अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ लेके आता रहेगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू।